हाय मैं हूं गोहिल निकुल। आज हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पैटर्न का फिफ्थ सम देखेंगे। देखिए पहले फॉर्मेट उसका इम्पोर्टेंट है। देखिए फॉर्मेट क्या, रेगुलेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनरशिप कैपिटल अमाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा आफ्टर एडमिशन का, और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट वर्किंग नोट और गुडविल अकाउंट हमारा वर्किंग नोट है। ये अकाउंट रेगुलेशन अकाउंट डेबिट हुआ माने लॉस हुआ, क्रेडिट हुआ माने फायदा हुआ, और ये अपना पार्टनरशिप फाइनल के अकाउंट की तरह ही चलेगा। और जो असेट रहेगा वो इधर इधर अपन लिख देंगे, और जो लाइबिलिटी रहेगा वो इधर इधर लिख देंगे। पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, और इसका एंट्री है। देखो बच्चों लोग, मैं आपको क्वेश्चन नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर आपको क्वेश्चन का फोटो मिल जाएगा, और आपको एनी क्वेरी रहेगा सम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, तो मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। चलो क्वेश्चन देख लेते। देखिए महाराष्ट्र टेक्सटबुक का, महाराष्ट्र बोर्ड का हम लोग सम लेते हैं 12th स्टैंडर्ड का। देखो उसका सम है पेज नंबर 143। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। समीर एंड निशा वेयर पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस इन द 3:1 शोइंग द बैलेंस शीट ऑफ 31st 2018 का, 2018 का बैलेंस शीट है, इसलिए मैंने इधर डेट दे दिया है। अभी देखो एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है और नया पार्टनर आ रहा है। अभी देखो दे एडमिटेड पूनम 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, माने पूनम को 1/5 शेयर मिलेगा फ्यूचर में, प्रॉफिट उसका मिलेगा। अभी देखो 1st April 2018 को ऑन द फॉलोइंग टर्म, माने उसको 1st April 2001 में उसको ऐड कर रहे पार्टनरशिप फॉर्म में। अभी देखो पूनम इंट्रोडक्शन 1,20,000 ही इज कैपिटल, माने 1,20,000 पूनम लेके आ रही है, तो देखो उसका एंट्री आ जाएगा। देखो पूनम कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है डेबिट, किसकी कॉलम में आ रहा है भाई, बैंक कौन से अकाउंट से आया, पूनम की कॉलम में 1,20,000, इसका इफेक्ट होगा। अभी देखो पूनम वुड पे गुडविल विच वुड बी बेसिक 4-year परचेस एंड पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, माने वो वर्किंग वाला अपन ने कहला किया था उसका टाइप का वो वाला वर्किंग नोट काम लगेगा इधर। अभी देखो असेट वे रीवैल्यूड, माने असेट देखो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसका इफेक्ट है। अभी देखो बिल पेबल हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, माने ये देखो ये TY में ऐसा क्वेश्चन आता है ओमिटिंग, आपको ऑडिटिंग करके एक सब्जेक्ट आएगा जो आपको TY BCOM में आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ाता हूं मैं उधर। तो देखो ओमिटिंग का मतलब होता है आपने एंट्री करना भूल गया आप, के माने स्किप हो गया, माने क्वेश्चन भूल गए, तो उसका एंट्री आपको मानना पड़ेगा। अभी देखो प्रॉफिट एंड लास्ट 5 year वेल अंडर, माने वो वर्किंग सेकेंड अपना क्वेश्चन है ना पॉइंट, उसका एडजस्टमेंट का वो वर्किंग कैसे करती हूँ। अभी देखो सबसे पहले लाइबिलिटी खाली कर लेते हैं, कैपिटल ये देखो कैपिटल किधर आएगा अपने अकाउंट में, कितना है 1.5 lakh, अभी किसका है निशान का 1,62,000। चलो अभी देखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अभी देखो जनरल रिजर्व ये लोग बांट लेंगे 36,000 और 12,000, ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे और 12,000 इसको कुछ नहीं मिलेगा। अभी देखो कौन सा लाइबिलिटी साइड में बाकी, क्रेडिटर, क्रेडिटर के कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा उधर लिखेंगे क्रेडिटर, कितना है कैडिटर का अपना 90,000। अभी देखो स्टॉक पे जाएंगे, जिसपे एडजस्टमेंट है उसको इनर में लिखेंगे, स्टॉक पे एडजस्टमेंट है तो इधर लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कितना है 90,000। अभी देखो बच्चे लोग, देखो बच्चा ध्यान से बैठ उधर, मस्ती मत कर मेरे को भी गुस्सा आता है। अभी देखो फर्नीचर, उसमें भी एडजस्टमेंट है, क्या है फिक्चर,
पिक्चर कितना है 60,000। अभी देखो क्या है डेटर, डेटर पे भी एडजस्टमेंट है। डेटर कितना है डेटर 1.5 लाख 1,50,000। अभी देखो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितना है बिल रिसीवेबल 90,000। कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में जाएगा अमाउंट। अभी देखो कैश इन हैंड, ये देखो सॉरी इधर देखो कैश दिया है तो उधर कैश अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। अभी देखो कैश कितना है, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता है, ये कंफर्म रखना बच्चों लोग, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता है तो 75,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। अभी देखो सब पोस्टिंग हो गया, अभी एडजस्टमेंट होते हैं। पूनम इंट्रोड्यूशन वन 1,20,000 हर्ड कैपिटल, माने पूनम पैसा लेके आ रही है तो कितना 1,20,000 पैसा आया डेबिट, कौन लेके आया पूनम, तो इधर देखो बाय बैंक कौन से का कैश से आया ना तो कैश लिखेंगे इधर कैश 1,20,000 1,20,000 ये हुआ। अभी देखो सेकेंड, सेकेंड वाला एडजस्टमेंट हम कर लेते, देखो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए पहले क्या मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर ही बता देता हूँ, बाद में आप लोग फटाफट इधर लिख लेना। देखो देखो वर्किंग नोट वन एवरेज कैलकुलेशन में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप फुल फॉर्म में लिखना। टोटल परचेस, परचेस नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट, सॉरी इधर प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेस। अभी देखो कितना प्रॉफिट देखो पहले का 60,000 है, दूसरे का 45,000 है, तीसरे ईयर का कितना है देखो बोलो 75,000, चौथे ईयर का कितना है 30,000, लॉस का कितना है 45,000। अब ये कितना ईयर बोला है 5, देखो 5 ईयर बोला है, पांच बोला है ना, तो देखो इन लोग को पहले प्लस करके बताओ। देखो 2,55,000 डिवाइड बाय 5 तो आपको देखो कितना अमाउंट बनेगा 51,000 बनेगा। अभी देखो ये इधर, अभी देखो दूसरा क्या बोला था गुडविल, गुडविल का भी मैंने बोला था गुडविल कैसे कैलकुलेशन करते हैं अपन, गुडविल एवीजी इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, परचेस एवरेज देखो इधर से मिला एवरेज 51,000। अभी देखो प्रो प्लस करके कितना हुआ 2,04,000, 2,04,000 हुआ। देखो अभी देखो उसका शेयर भी बोला है ना, देखो शेयर बोला है पार्टनर का तो क्या लिखेंगे पूनम, क्या पूजा सॉरी इसका नाम भी क्या है पूनम, सॉरी अरे वो पूनम नाम है, पूनम शेयर ऑफ गुडविल। अभी देखो उसका शेयर कितना है 1/5 है तो माने क्या ये अमाउंट इधर लिख देंगे 2,04,000 1/5 वन से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करेंगे, देखो आंसर क्या आएगा 14,800 माने 40,800। ये वर्किंग नोट देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था तो आप वो देख सकते हो, देखो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट गुडविल और पार्टनर का शेयर दिया रहेगा तो ऐसा एडजस्टमेंट का तो कैसे सॉल्व करने का। देखो ये इतना हो गया, इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको ये पूरा वर्किंग नोट मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो
तो मैं उसको रब कर दूंगा। अभी ये इसका कॉपी कर लिया आपने, आई थिंक तो आपने कर लिया रहेंगे। इतना होगा, अभी देखो, सॉरी एक एडिटर है, एडिटर अभी देखो वो वाला एडजस्टमेंट का वर्किंग आपको काम लगेगा। अभी देखो क्या बोल रहा था अपना एडजस्टमेंट, क्या बोल रहा था देखो, सेकेंड वाला एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया, फर्नीचर 45,000, फिक्चर का भी 45,000 होगा। देखो पहले क्या था 60,000, अब मेरा नुकसान हुआ डेप्रिसिएशन डीईपी कितना, आउटर में 40,000 बोला है, 15,000 से मेरा नुकसान हो रहा है। ये देखो नुकसान हुआ, एक अकाउंट बोलेगा भाई मेरा है मेरा है मेरा है, नुकसान है इधर लिख टू पिक्चर, पिक्चर्स इतना 15,000 इसका हो गया। अभी देखो दूसरा क्या बोला, बिल रिसीवेबल 1,20,000, 1,20,000 ऐड हुआ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन कितना, ये देखो इसका उन लोगों ने बोला नहीं मेरे को तो मैं इसने आउटर में लिख दिया, 1,20,000 हुआ, 1,20,000। देखो कितने से वैल्यू बढ़ रहा है, 30,000, वेरी गुड बच्चा, 30,000 से, 30,000 से। अभी देखो 30,000 से वैल्यू बढ़ा, फायदा है बाय बिल रिसीवेबल कितना है 30,000। अभी क्या बोल रहा है, स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू पहले कितना था देखो, स्टॉक अपने सबसे ऊपर लिखा 90 था, अभी कट गया उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया वो 60 हो गया, तो आउटर में 60,000 लिखेंगे और इधर 30,000 से लेस हुआ, नुकसान है मेरा डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन टू स्टॉक, स्टॉक इधर ध्यान दे बेटा भाई, इधर भैया आपने एग्जाम में गलती करेगा, ऐसे एडजस्टमेंट के लिए रॉन्ग आता है आंसर बच्चों लोग का, 30,000। अभी देखो कौन सा एडजस्टमेंट है, डेटर एट बुक्स वैल्यू लेस देन प्रोविजन, प्रोविजन माने आरडीडी बोल रहे हो कि 20% लोग ऐसे पैसा डुबाएंगे, तो प्रोविजन, प्रोविजन कितना है 20%। देखो 10 माने 10%, 15,000। देखो ये समझता है, 10 माने 10% 15,000, उसका डबल कितना होता है 30,000 लेस, ये देखो इसका आउटर में कितना आएगा, 1,20,000 आएगा, 20,000। अभी देखो 30,000 नुकसान है टू प्रोविजन कितना, 1,00,000 कितना है प्रोविजन 30,000, 30,000। अभी देखो दूसरा क्या बोला है, बिल पेबल ऑफ 50,000 हैव बीन ओमिटेड, माने रिकॉर्ड करना भूल गए, ये बोल रहा है ओमिटिंग माने भूल गए, ये देखो ओमिटिंग माने क्या नुकसान हुआ ना, तो ये देखो बिल पेबल, बिल पेबल कितना है 15,000। अभी देखो बिल पेबल अपन किधर लिखते हैं, लायबिलिटी में लिखते हैं, इधर बिल पेबल, पेबल कितना 15,000 ये हुआ। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, सब एडजस्टमेंट हो गए और ये देखने का, अभी देखो गुडविल का इफेक्ट अपन भूल गए, देखो गुडविल का इफेक्ट नहीं दिया, वो वर्किंग था ना इधर का, वही वाला वर्किंग काम लगेगा। तो देखो गुडविल का अमाउंट कितना आया था, 40,800 का फाइनल आंसर बना था कि ये कितना शेयर लेके आ रहे पूनम। अभी देखो गुडविल कितना है, पैसा आ रहा है 40,800 आ रहा है डेबिट बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल ले लेते हैं, गुडविल ओल्ड रेशियो में, इन लोग का रेशियो क्या है 3:1। अभी देखो ये लोग को बांटेंगे, ये देखो बांट लेंगे, उसका आंसर क्या बनेगा 30,600 और दूसरे का क्या है 10,200।
इसको जो लेके आ रहा है उसको गुडविल नहीं मिलता, उसका शेयर नहीं मिलता। ये हुआ, अभी देखो ये वाला इफेक्ट है ना, सीधा उठा के इधर लिख देने का, ये समझा। देखो एजुकेशन के दो इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट। अभी देखो ये पैसा बैंक में जाएगा, ये देखो, ये देखो गुडविल अकाउंट में कौन से आया, कैश से आया, तो कैश लिखेंगे, कैश से आया इसलिए। अभी देखो ये वाला सेम अमाउंट है ना गुडविल का, वो इधर लिखेंगे, पर इधर क्या लिखेंगे, पार्टनर लिखेंगे टू। क्या है पार्टनर का नाम, एस कैपिटल टू, दूसरा क्या है एन कैपिटल्स, एन कैप पहले का कितना है 30,600, ये देखो 30,600, दूसरे का कितना है 10,200। ये अकाउंट अपना टैली हो जाएगा, देखो सेम अमाउंट से टैली होगा 800, देखो ये टैली हो गया। अभी देखो सबसे पहले अपन किसको बंद करेंगे, इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट को, रिवॉल्यूशन अकाउंट को बंद करेंगे। अभी देखो कौन सा साइड है, ये देखो, ये देखो 15,000 30,000 और 30,000 60,000 90,000 आएंगे। प्रोविजन पहले से था, रुको एक मिनट, प्रोविजन 15,000 है, 15,000 है, सॉरी ऑफ रहे क्योंकि एडजस्टमेंट में भी था, इसकी वजह से देखो माइनस करके आया उधर 15,000। कैसे आया देखो, 30,000 एडजस्टमेंट से वाला आया और उसमें ओल्ड भी दिया था 15,000, ऐसे करके आएगा आंसर 15,000। अभी देखो कितना आएगा, 15,000 60,000 के अंदर 10-15,000 वापस लगाओ, 75,000 है, देखो ये आया 75,000 है बेटा, 75,000 में से 30 माइनस कर बेटा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 45,000 बचेगा, देखो 45,000। अभी देखो ये साइड आया था लॉस, ये खर्चा है, सब खर्चा ज्यादा है मेरा, खर्चा ज्यादा है, इनकम मेरा 30,000 है, तो मेरे का जो भी आएगा ये लॉस होगा, ये साइड आएगा, समझा। अभी देखो लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना है, ये दोनों बांट लेंगे, बाय एस बाय एन कैपिटल कैप कैप। अभी देखो ये लोग का रेशियो ओल्ड था 3:1 माने ऐसा था, देखो 1। अभी इसका कैसे बटा रहा नहीं समझा, किसको बांटने टाइम ऐसा बटेगा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, ये दोनों का टोटल नीचे आएगा, ये देखो इसका भी देखो 40,000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, देखो आंसर क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करने डिवाइड इससे करने का। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर 33,750, दूसरे का क्या बना 11,250। अभी देखो ये लॉस हुआ तो ये साइड आएगा, फायदा होता तो ये साइड आता, ये लॉस हुआ तो ये साइड है, टू लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना है पहले का 13,33,750, दूसरे का 11,250, इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये बकन बंद किया। अभी देखो किसको बंद करेंगे, ये हुआ, अभी इसको सबको बंद करेंगे, सबको बंद करेंगे, इसका कितना, इसका सेम आ जाए 1,20,000, कुछ मगजमारी नहीं, 1,20,000 ये हो गया। अभी देखो इसका प्लस करेंगे सेकेंड का, कितना एन का प्लस करेंगे 184,200 इसका प्लस करेंगे, उसका कितना आएगा 216,000
600। अरे इसमें से इसमें तो कुछ नहीं तो माइनस नहीं होगा, तो इसका क्या आएगा 120 इधर ऐसा कॉमन आ जाएगा 120, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1,70,1,72,950 950 इसका, और दूसरे का कितना बचेगा रियो में 82,850 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये देखो ये लाइबिलिटी में जाएगा, ये वाला वर्किंग नोट कॉपी कर लिया ना तुम लोग ने, ये बंटवारा था तो आपको समझाने के लिए। इधर देखो कैपिटल्स कैपिटल्स एन एम एस एन पी कितना है, ये देखो 1,82,850, दूसरे का कितना है 1,72,950, तीसरे का कितना 1,20,000। अभी देखो कैश को बंद करना करना बाकी है, कैश को बंद करेंगे देखो 75,000 प्लस 1,20,000 40,800, तीनों को करो प्लस, दो लाख 35,800 देखो 2,35,800 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,35,800। ये देखो कैश कैश 2,35,800। ये देखो अभी इन लोग का टोटल करके आप आउटर में डाल देना, अब ये कितना है आंसर 50 कितना है 5,80,800। ये टेलिया है उसका।